हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल प्रताप सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने एसिड बेस केमिस्ट्री के चैप्टर को। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। और मतलब बेसिक क्या, मतलब पूरी की पूरी एसिड बेस केमिस्ट्री का जो भी बेसिक पार्ट था, जो भी चीजें थी, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब मतलब क्या है कि अब जो थोड़े बहुत ट्रेंड्स होते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कुछ जो हमारी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए आ जाइए सब लोग। इससे पहले मैंने आपको कई बार नोटिफिकेशन दे दी थी कि आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही इस सेशन को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए देखते हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आ जाइए भाई, सब लोग के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आप सभी के लिए। आज इस वीडियो को आप देख लोगे तो इसके बाद आपका आईटी जैम केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हो, डीयू बीएचयू का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका सीएसआईआर नेट या गेट केमिस्ट्री में, ये एसिड बेस लगभग सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, तो उसके क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होंगे। हर तरीके के ट्रेंड, हर तरीके के एसिड बेस रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। कुछ जो पॉइंट्स हैं आपके, इससे पहले हम लोगों ने जो दो थ्योरी पढ़ चुके हैं उनके रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए और फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम है हमारे पास, 1 मिनट के बाद मैं इस सेशन को कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ एंड जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई फटाफट, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए, तो फिर हम लोग इस क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। हाय हर्ष जी, हाय कृष्णा जी, नेहा, रोहित, पीसीबी सब्जेक्ट इन 12th क्लास, कैन आई अप्लाई फॉर आईटी जैम 2021? रोहित जी हाँ, रोहित यू कैन अप्लाई फॉर 2021, ठीक है, लेकिन क्लास 12th में नहीं, आप ग्रेजुएशन आपका लास्ट ईयर में होने चाहिए ना आप, ठीक है ना। आई एम गुड हर्ष जी, आप सभी लोग कैसे हो, ठीक है। सर नेट में कितने मार्क्स का आता है एसिड बेस से? तो एसिड बेस से नेट में अराउंड कभी 6 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का आता है। तो और एक्चुअली क्या होता है ना, एसिड बेस हो गया और जो आपका, अब एसिड बेस में ऑर्गेनिक की एसिड बेस कंसीडर कर लो, और क्या नाम है, पीरियोडिक ट्रेंड में एसिड एसिड कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर को कंसीडर कर लो, तो अगर ऐसे कंसीडर सब कुछ कर लोगे तो एसिड बेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर तरह हर जगह से मिला हुआ टॉपिक है। लेकिन हाँ, जो एग्जैक्टली यहाँ पर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इससे आपका 4 नंबर का और 2 नंबर का एक सवाल आ जाता है, तो ऐसे कुछ सवालों को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़िया है। मैथ नहीं था 12th में, ठीक है, जो भी ये बातें हैं नेहा और जितने लोग भी हो आप लोग, जितनी भी ये बातें हैं कि क्या कैसे है, तो वो हम लोग सेशन के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हमें क्या करना है, एसिड बेस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 कंप्लीट करना है पहले। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, कई ऐसे सवाल आपको आज सीखने को मिलेंगे जो होपफुली इससे पहले आप जिनमें कन्फ्यूज हो जाते होंगे, या फिर कुछ ऐसे सवाल जो करने में हमें हमेशा इंटरेस्ट आता है। जैसे एक छोटे से सवाल के साथ मैं आपको स्टार्ट कराना चाहूंगा, जैसे कि आपका CH3OH है, ठीक है, और C2H5OH है, C2H5OH, CH3OH, इन दोनों की अगर एसिडिटी का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप समझ गए होंगे, इससे पहले हम लोग एक चीज सीख चुके हैं क्या, कि सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जा रहा है, किस सॉल्वेंट की बात करी जा रही है, या फिर सॉल्वेंट यूज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्वेंट बेसिस 2 आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉल्वेंट कंसिडरेशन में, एक तो आपका वॉटर का, ठीक है, और इससे पहले जो अमोनिया सॉल्वेंट यूज किया जाए, तो उसकी जो कहानी थी मैंने आपको लास्ट सेशन में कराई थी। लेकिन जब सॉल्वेंट ना यूज किया जाए और सिर्फ आप गैस फेज में रिएक्शन हो रही हो, तो गैस फेज रिएक्शन में और वाटर में इनके एसिडिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ऐसे कुछ सवालों का जवाब आज इस लेक्चर में आप सीखेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, लास्ट जो क्लास हमने करी थी उसमें हमने एक लाइन हम लोगों ने नोट करी थी, हम सब लोगों ने क्या नोट करी थी हमने लाइन, कि अगर कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे मान लो आप किसी सॉल्वेंट में आपने कंपाउंड्स को मिला रखा है, तो उस सॉल्वेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है जो एग्जिस्ट कर सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी सॉल्वेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट का ऑटो आयनेशन से बन रहा है उसका, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उस सॉल्वेंट का कॉन्जुगेट एसिड,
उस सॉल्वेंट का क्या, कॉन्जुगेट एसिड, मतलब जब वो सॉल्वेंट बेस का काम करे तो उसके प्रोटॉन, मतलब सॉल्वेंट प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो भी आयन बना रहा होगा, जो भी कैटायन बना रहा होगा, वही कैटायन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पॉसिबल होता है इन दैट सॉल्वेंट। तो एक लाइन हम लोगों ने लास्ट में क्लास में ये चीज करी थी, होपफुली आप सभी लोगों ने उसको नोट भी कर लिया था, ठीक है। तो बात क्या थी कि इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच कैन एग्जिस्ट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का कॉन्जुगेट बेस जो होता है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड होता है, यहां पर इसको एसिड करना है, ठीक है, ये आपका एसिड होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड, किसी भी सॉल्वेंट का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वही उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पॉसिबल रह सकता है। इसी तरीके से अगर बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है, उस सॉल्वेंट का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इसको एक बार मैं क्लियर करके समझा देता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो NaOH आपने यूज कर रखा है, या फिर NaOH छोड़िए आपने क्या रखा है, H2O यूज कर रखा है। तो H2O के केस में अगर कोई दूसरा एसिड आपने यूज किया, मान लो आपने यूज किया H2SO4, तो H2SO4 को आपने सॉल्वेंट में डाला, तो इस समय अगर आप चाहे H2SO4 डालें या फिर कुछ भी डालें, चाहे आप यहां पर HClO4 डाल दें, ठीक है, या फिर आप कोई भी एसिड डाल दें, मान लीजिए आपने HNO3 डाल दिया, तो कोई भी अगर आप एसिड डालते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो इस सॉल्वेंट, अब देखो ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। एसिड क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है इन कंपाउंड्स की, वो वाटर से ज्यादा होती है। अब ज्यादा क्यों होती है, ज्यादा इसलिए होती है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन डोनेशन के बाद ये अगर प्रोटॉन डोनेट कर दे तो उसके बाद जो इनका एनायनिक पार्ट बनेगा, मान लो इनसे H+ निकाल लो, तो जो इनका एनायनिक पार्ट बनेगा वो इस सॉल्वेंट में क्या होगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इससे वाटर निकाला जाए। तो ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तो इस एसिड में क्या किया, बेसिकली हुआ क्या होगा, इसने एसिड ने इसको क्या किया होगा, H+ दिया होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। अब इसके बाद बेसिकली यहां पर इस वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, ये क्या है आपका, सॉल्वेंट है बेसिकली। तो इस सॉल्वेंट में इसने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बेसिकली बना क्या, H3O+। तो ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है। और साथ में यहां क्या बनेगा, HSO4-, तो HSO4- क्या है बेसिकली, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। तो किसी भी सॉल्वेंट में जो स्ट्रॉन्ग, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पॉसिबल है वो क्या होगा, H3O+ होगा। ये बात क्लियरली समझ में आई। और अगर कभी किसी रिएक्शन में वाटर H+ डोनेट कर रहा होगा, जैसे यहां पर ये कर रहा है, तो उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पॉसिबल कौन होगा, वो H3O+ की जगह OH- हो जाएगा। इसी पर आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को सिखाया था, और उसके आगे की बात मुझे आगे डिस्कस करनी थी। तो क्वेश्चन देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस मीडिया सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है आपका। तो कह रहा है HClO4, HNO3, H2SO4 और H3O+। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्या, H3O+ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पॉसिबल हो सकता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर। बात क्लियर हो गई, ये बात तो आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगली बात, अब हमें क्या करनी है, देखिए इस ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसे अंतिम छोर की तरफ ले आइए, सारे जो उसके मेन कॉन्सेप्ट थे हम सीख चुके हैं, बस इसको खत्म करने से पहले कुछ बातें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इसकी जो मेरिट थी, मतलब इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स में सब कुछ आपको पता होगा, आप समझ गए होगा कि मतलब किस तरीके से इसका क्या रोल था, मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर 1 में ये चीजें समझाई थी, तो उसी को थोड़ा सा कर लेते हैं, जो हमारा काम करना जरूरी है, क्या, कि सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि उसकी मेरिट थी वही ये थी, क्या, कि ये किसी तरीके से किसी कंपाउंड में ये नहीं कहता था कि इस सॉल्वेंट में जाकर ये दे, उस सॉल्वेंट में जाकर वो दे, और उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे इससे पहले आरहेनियस जी ने कहा था कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। तो इसीलिए ये अच्छी बात थी इसकी, क्या, कि डिफाइंस द एसिड्स एंड बेसिस इन द टर्म ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, अपने ही आधार पर एक्सप्लेन करता था, नॉट इन टर्म ऑफ आयन जनरेटेड इन एनी सॉल्वेंट। तो वही सॉल्वेंट वाली बात, और इसमें ऐड करनी पड़ेगी साथ में, क्या, कि किसी सॉल्वेंट में ऐड करने से वो कैसे आयन जनरेट कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ उनके आधार पर कहता है कि ये खुद एक प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सके या फिर करवा सके। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरीके से अगर इसी आधार पर हमें ये बात क्लियर होती कि हमारा जो SO3 कंपाउंड होता है, SO3 क्या होता है बेसिकली, SO3 आपका
क्या हुआ, एसिडिक इन कैरेक्टर होता है। कैसा होता है भाई, एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, जबकि सीएओ, सीईओ आपका क्या होता है, सीईओ आपका बेसिक इन कैरेक्टर होता है। अब ये कैसे, जरा देखना ध्यान से, अगर ब्रॉन्ज, इसी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले समझा चुका हूं क्या, कि अगर आप इसमें क्या करें, इसे वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा, ये SO3 क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, और फिर ये क्या कर सकता है, सॉल्यूशन में H+ रिलीज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपने जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में आपको क्या मिलने लगेगा, H+ आयन कंसंट्रेशन मिलने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, SO3 क्या है, SO3 एक तरीके का एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। लेकिन आर्हेनियस थ्योरी ने कहा था कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच कैन गिव द H+ आयन थ्रू द ऑटो आयनाइजेशन, मतलब खुद वो डिसोसिएट और उनके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये बात हमें यहां क्लियर हो गई थी। अब इसी तरीके से अगर आप CaO के देखें, तो CaO को अगर आप क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें, H2O के साथ CaO को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होता है भाई, CaO को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये बना लेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, और ये वाटर में आगे चल के क्या कर सकता है, OH- दे सकता है। और OH- देकर करेगा क्या, बेसिकली वाटर से OH- को खाने लगेगा, क्योंकि देखो अब ये रिएक्ट किससे करेगा, बेसिकली H2O से रिएक्ट करेगा, और H2O से रिएक्ट करने के बाद बेसिकली क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ सी बात यह है कि CaO का अगर आप सिस्टम में मिला रहे हो, तो यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, मतलब कि आपके सॉल्वेंट में, आपका जो सॉल्वेंट है उसमें उसके एनायनिक पार्ट को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, जैसे NaOH हो गया। तो इस तरीके से ये आपका CaO कैसा नेचर दिखाता है, आपका बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, और जो आपका ये SO3 है ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। तो इस थ्योरी के आधार पर ही इस चीज को अच्छी तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे इस तरीके से। आगे बात क्लियर सभी को आपको। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहां पर आप ध्यान से आपको क्या देखना है, यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये बेसिकली आपको इसका पार्ट नहीं है, इसके बेसिकली इसको समझ पड़ते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, लेकिन आप फिर भी इस बात को ध्यान रखना क्या, कि यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए क्या, कि आपके जो ये नॉन मेटल है SO3, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो आपका जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये क्या है, आपके एसिडिक इन नेचर है, और जो आपके मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, या फिर आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्या, कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं, और जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड्स। तो ये आपके मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके बेसिक इन कैरेक्टर। अब इन्हीं पर थोड़ा सा हमें वेरिएशन अंदर समझना है क्या, कि अगर मैं इसमें कैसे वेरिएट करूं, हो सकता है कभी आपको एम्फोटेरिक नेचर वाला ऑक्साइड मिले, कभी एसिडिक वाला मिले, कभी बेसिक वाला मिले। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हमें क्या करना है, आगे कंपैरिजन करना है। तो जरा ध्यान से देखो, इसी चीज को मैंने आगे आपके सामने लिख रखा है क्या, कि एसिडिक कैरेक्टर हमें समझना है सबसे पहले किसका, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स का, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स का हमें क्या करना है, सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर समझना है, समझना ध्यान से। अब क्या करिए आप, यहां पर N2O5 है ये, अब देखिए CO2 को क्या करिए आप, वाटर में डिसॉल्व करिए। तो CO2 को अगर वाटर, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है कि नहीं है। अब CO2 को आप वाटर में डिसॉल्व करें, तो जैसे ही इसको CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करने से क्या बनेगा, बेसिकली H2CO3 आपका बनेगा। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो यहां पर आपको कार्बोनिक एसिड बन गया ये, तो ये क्या है, एक एसिड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, देखिए एसिड है। इसी तरीके से ये आपका N2O5, अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करें, इसे वाटर में डिसॉल्व करें, तो यहां पर हमारे सामने क्या बनकर आता है, HNO3 बनकर आता है। तो ये भी क्या है, एक एसिड है, H+ रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से आप H3O को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या करेगा आपका, H2SO4 बना देगा, क्या करेगा, H2SO4 बना देगा। तो ये भी क्या है आपका, एसिडिक इन नेचर हो गया, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरीके से ClO4 को मिलाएंगे तो आपका ये होगा क्या, होगा HClO4, तो ये HClO4 बनाएगा। इसी तरीके से अगर आप P4O10 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H3PO4, तो ये क्या बनेगा, H3PO4। तो इस तरीके से जो आपके ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे शो द एसिडिक कैरेक्टर। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए। इसके बाद अब इसमें आगे कैसे परिवर्तन आएगा वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझने वाले हो, ठीक है। तो चलो आगे देखो, आगे क्या है आपका लिख रखा है, अगर हमें समझना है बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन में, बार बार बोलता हूं सॉल्यूशन की बातें, क्योंकि इसी आधार पर आपके सवाल आते हैं, ठीक है। और आई थिंक एक सवाल आपका यहां पर मिस हो गया है, हाँ ये हो गया अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे है वो। तो यहां पर क्या है आपके, ये मेटल ऑक्साइड है,
ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है आपका, मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड में इसको आप क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ये क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। इसी तरीके से K2O को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। और इसी तरीके से आप अगर BaO को मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा भैया, BaOH का होल ट्वाइस। तो ये सब के सब क्या है, बेसिक है, बेसिक है या नहीं है, क्लियर आपको बात समझ में आ रही इतनी सारी। लेकिन ऐसा कई बार ऐसा भी होता है, आप ऐसे कंपाउंड्स को देखोगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आपके सामने फंसे हुए होंगे, ना वो इधर के हैं ना वो इधर के हैं, तो उनको एक बार देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर उन्हें हमें सिर्फ एक बार समझना होता है कॉन्सेप्ट में कहां से क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स नहीं है जो एम्फोटेरिक हैं या फिर जो बार बार सवालों में आते रहते हैं। तो इसलिए आप जरा ध्यान समझ लिए, एम्फोटेरिक की कहानी आपको बस देखनी है और समझनी है यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास यहां पर दे रखा है, ये आपके पास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं, ऐसे मतलब ऑक्साइड्स हैं या फिर ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स कह सकते हो, ऐसे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अब एम्फोटेरिक नेचर शो क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि दोस कंपाउंड्स विच कैन शो द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर साइमल्टेनियसली, कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कभी वो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं कभी वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। मतलब वो आपके साथ बैठा हुआ है तो आपका दोस्त है और आपके दुश्मन के साथ बैठा हुआ है तो उसका भी दोस्त है, मतलब किस एनवायरमेंट में है वो उस आधार पर अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको जरा ध्यान से, यहां पर आपके पास BeO है, क्या है आपके पास, BeO है। तो BeO की रिएक्शन आप क्या करें, आप कैसे समझेंगे कि हम BeO आपका एसिडिक है या बेसिक है, आप क्या करिए BeO को लीजिए और दो डिफरेंट एनवायरमेंट में रखिए। पहले आपने BeO को क्या करा, एक एसिड के साथ मिलाया, तो एसिड के साथ मिलाने से देखिए क्या हुआ, एसिड के साथ जब हमने इसको मिलाया तो हमें देखने को मिला कि आफ्टर डिसॉल्विंग इट इन एनी एसिड इट मेक्स सॉल्ट, ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता, तो इसने BSO4 बना दिया, ठीक है। और साथ में क्या हुआ आपका, साथ में वाटर रिलीज हो गया होगा, साथ में क्या हुआ होगा, वाटर रिलीज हो गया होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से, ये क्या है आपका, एक एसिड है कि नहीं है, ध्यान समझना, पहले मेरी बात ध्यान सुन लो फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आपको क्या पॉइंट डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, जरा ध्यान समझना। यहां पर आपका H2SO4 क्या है, एसिड है कि नहीं है। अब इसी तरीके से अगर एसिड से किसी को मिलाने पर सॉल्ट बन जाता है तो वो क्या होता है बताओ, अगर एसिड से आपने एसिड लिया, एसिड के साथ आपने क्या किया, एसिड को किसी कंपाउंड के साथ मिलाने से सॉल्ट बन गया, तो इसका मतलब है वो कंपाउंड कैसा है, बेसिक इन कैरेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक इन कैरेक्टर होता है ये। तो ये बात कहां से उड़ती हुई आई हमारे सामने, हमारे सामने आई हमने जो आरहीनियस का मेरिट्स पढ़ने की कोशिश करी, तो मेरिट्स में हमने एक कंपाउंड देखा कि SO3 और CaO, फिर हमने वहीं से एक बात को अपने रिकॉल कर लिया साथ में कि एसिडिक बेसिक में हम लोग मेटल नॉन मेटल को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसी पर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, बाकी वापस आना है अभी मेरिट्स और डीमेरिट्स में, ध्यान रखिएगा, आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा कि आपकी कहां किस तरीके से क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, किसका, BeO का। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप इसी BeO को, इसी BeO को ऐड कर दो, मान लीजिए यहां पर ये लिख रखा मैंने BeO, और साथ में क्या करो, इसमें आप बेस सॉल्वेंट यूज करो। अब बेस को किसी ना किसी सॉल्वेंट में यूज करें, मान लीजिए वाटर के सॉल्वेंट में आप इसको डिसॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे वाटर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं ना, तो यहां पर देखिए क्या बनाता है, यहां पर ये बनाता है BeOH का होल 4-, BeOH का होल 4-, या BeHOH का होल 4-, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो ना, यहां पर अब ये क्या है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है BeO, और बेस के साथ जब भी कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो एसिडिक इन कैरेक्टर ही होगा, एसिडिक इन कैरेक्टर ही होगा, होगा या नहीं होगा भाई, बेस के साथ एसिड ही तो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इस OH- ने, इस OH- ने इस BeO के साथ मिलकर BeOH का होल 4-2- बनाया, या फिर जिसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं BeO2-2-2H2O, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये दो इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास ये एक तरीके का सॉल्ट आप समझ सकते हो इसे, ये सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी इसे इसका स्ट्रक्चर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था, तो एक तरीके का सॉल्ट है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, अब बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसके अलग मजे हैं। तो बेसिकली BeO क्या है आपका, एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर है। तो आप ध्यान रखिएगा, BeO आपका एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर है। इसी तरीके से BeOH का होल ट्वाइस भी आपका क्या है, एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपका, एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका OH- से रिएक्ट करा देगा, और अगर आप बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये BeO2 का होल 2- ये बनाएगा। देखो अगर आप इसे
बेस के साथ रिएक्ट कराओगे, तो बेस के साथ रिएक्ट कराने से क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट कराने का मतलब हो गया आप इसे OH माइनस डोनर के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो OH माइनस डोनर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वही बनाएगा BeO2 2 माइनस डॉट 2H2O, या फिर जिसे आप लिख सकते हैं BeOH का होल 4 2 माइनस। आ रही बात समझ में? और अगर आप इसे किससे रिएक्ट कराएं, किसी एसिड से रिएक्ट कराएं, तो एसिड से रिएक्ट कराने पर क्या होगा, OH माइनस डोनेट कर देगा, वाटर निकल जाएगा, समझ रहे हो आप बात। H2SO4 से रिएक्ट कराओ इसको, अगर आप इसकी रिएक्शन क्या करो H2SO4 से करा दो, किससे करा दो H2SO4 से, तो H2SO4 रिएक्शन कराने से क्या होगा बेसिकली HOH का ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा BeSO4 और प्लस वाटर। आ रही बात समझ में? नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी आपका क्या है एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर ही है। ठीक है, इसी तरीके से Al2O3 भी आपका जो होगा Al2O3 ये भी क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसकी रिएक्शन आप जरा ध्यान समझ लो, Al2O3 की रिएक्शन आपने क्या करी, पहले H2SO4 से कराई, तो जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो ये Al2SO4 का होल ट्वाइस दे देगा, क्या करेगा Al2SO4 का होल ट्वाइस दे देगा, मतलब कुल मिला के सॉल्ट दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसिड तो ये क्या हो गया बेस, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दें, तो बेस से कराने का मतलब क्या है OH माइनस डोनर किसी भी NaOH से करा दो, किसी से भी करा दो, ठीक है KOH से करा दो, NaOH से करा दो, जो मन करे MgOH को होल ट्वाइस से रिएक्शन करा दो, तो बेसिकली वहां पर क्या होगा ये बनाएगा AlOH का होल 4 माइनस, AlOH का होल 4 माइनस, कुल मिला के आपका कंपाउंड बेस से रिएक्ट कर गया, तो कुल मिला के इसने अपना कैसा नेचर शो किया, एसिडिक नेचर शो किया। आरी बात समझे? इसी तरीके से AlOH का होल थ्राइस भी आपका रिएक्ट करेगा, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो Al2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा, और जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो AlOH का होल 4 बनाएगा। इसी तरीके से आप ZnO में भी यही कर सकते हैं, ZnSO4 बनाएगा और दूसरे केस में ZnOH का होल 4 या फिर ZnO2 2 माइनस, देखो मैं ZnO2 को भी समझा देता हूं आपको, जरा ध्यान समझते रहिएगा, और इसके आगे आने वाले हैं बहुत सारे सवाल, तो पहले आप ट्रेंड समझिए, चीजें समझिए, गैस फेज में रिएक्शन कैसे होती है, इन चीजों को समझते रहिए। ZnO है आपका, तो ZnO की रिएक्शन आपने किससे कराई, एसिड से कराई, तो एसिड से कराने पर ये क्या करेगा ZnSO4 सॉल्ट बना देगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ZnO की रिएक्शन किसी बेस डोनर से करा दीजिए, मान लो OH- से करा रहे हैं, तो यहां से क्या होगा बेसिकली, यहां से कराने पर ये क्या बनाएगा ZnOH का होल 4 माइनस, या फिर जिसे होल 4 2 माइनस, या फिर जिसे आप लिख सकते हो ZnO2 2 माइनस डॉट 2H2O, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर रिएक्शन बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इसके नेचर पर। तो आपको अभी तक इतनी बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आ गई कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक के लिए आपके जो मेन एम्फोटेरिक नेचर वाले कंपाउंड्स हैं वो ये हैं। कई बार हो सकता है आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द मेटल ऑक्साइड या विच ऑफ द ऑक्साइड कंपाउंड या फिर हाइड्रोक्साइड कंपाउंड इज एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आपको यहां से इन कंपाउंड को देखकर इन पॉइंट को क्लियरली अपने दिमाग में हमेशा साफ साफ रखना है। क्लियर होगा ये बात, समझना चाहिए आपको जो जो मैं समझाता जा रहा हूं यहां पर। अब देखो अगला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, एक तो कॉन्सेप्ट हमने समझा ऑक्साइड्स और मेटल नॉन ऑक्साइड्स के बारे में, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, बिल्कुल कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कामिनी जी कह रहे हैं कि कौन कब किस, तो यही है बिल्कुल कामिनी जी, मैं समझ रहा हूं कि जो भी आपके डाउट है तो डाउट आपके आए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन डाउट को अभी संभाल कर रखिए, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हीं सब की तरफ तो मैं बढ़ रहा हूं, अभी हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ समझ रहे हैं, पहले आप छोटी छोटी चीजों को समझिए, इस लेक्चर में आगे कंपैरिजन ही करना है हमें। ठीक है, आई बात समझ में? डाउट संभाल के रखो अपने, डाउट संभाल के रखो, पहले हम क्वेश्चन पर आएंगे फिर आपके डाउट भी होंगे। ठीक है शशांक जी, शशांक रिडम्पशन, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं ना, अभी तक चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं, अभी तक तो कुछ समझाई नहीं, मतलब बहुत बेसिक चीज थी ये, तो चलिए इसके बारे में, ये जो दूसरी मेरिट है इसको समझना है और यहां पर होगा असली खेल। ठीक है, यहां पर आपको चीजें मेनली समझनी है, क्या है मेरिट, एक इस बेसिकली क्या थी कि ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने हाइड्रोलिसिस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, किसको, हाइड्रोलिसिस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, हाइड्रोलिसिस होने पर किसका क्या नेचर होगा, कौन कब एसिडिक होगा, कौन कब बेसिक होगा, किस कौन सा सॉल्वेंट एसिडिक होगा, एग्जांपल ऑफ हार्ड एसिड्स, तो अभी एकदम से मत उछलिए, हम लोग लेक्चर चल रहा है अभी, एसिड बेस, जब हार्ड एसिड बेस में आएंगे तब बताएंगे आपको।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजाक का टाइम नहीं है, लेक्चर पढ़ लो पहले सही से। तो क्या बात है कि हाँ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट हमने ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही सीखा समझा। बेसिकली बात क्या थी कि हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि FeCl3 है आपके कंपाउंड में, क्या है FeCl3 आपके कंपाउंड में दे रखा है, तो FeCl3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, अगर हम FeCl3 को वाटर में डिजोल्व करें तो यहां पर इसका नेचर क्या होगा, FeCl3 कैसा नेचर शो करेगा, या फिर इसको किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा FeCl3 का, ये कैसे समझा जाएगा। तो ये इस थ्योरी के द्वारा समझा गया बड़े ही अच्छी तरीके से। कैसे समझा गया, हमें पहली बात तो क्लियरली समझ में आया कि जब हमारा FeCl3 कंपाउंड है और FeCl3 को अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया, किसमें डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया, तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो यह आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने पर होगा क्या, बेसिकली कैटायनिक पार्ट जो बनेगा, कैटायनिक पार्ट वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा Fe(H2O) का होल 6 3 पॉजिटिव। तो कैटायन तो हाइड्रोलाइज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो इसका एनायन होगा, जो क्या होगा आपका साथ में एनायन होगा Cl-, वो क्या होगा, वो भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं इसको क्या कह देता हूं, मैं कह देता हूं मैं इसको कि ये सॉल्वेटेड हो गया, क्योंकि इसके कितने वाटर मिले इससे मतलब नहीं है। अब बात क्या है कि हाइड्रोलिसिस किसी कंपाउंड की समझी जाए तो उसके लिए ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट से हमें एक बात समझ में क्या आई, जैसे अब कि इससे पहले मैंने आपको सॉल्वेंट के आधार पर कहानियां समझाई, बात क्या थी कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करिए वाटर में या फिर किसी सॉल्वेंट में, आपने किसी भी कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से आप जब उस कंपाउंड को देखिए, यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को अच्छी तरीके से समझाया गया, तो आप किसी सॉल्ट को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो दो पार्ट बनाएगा, क्या पार्ट बनाएगा, एक कैटायनिक पार्ट बनाएगा और एक एनायनिक पार्ट बनाएगा। अगर उसका कैटायनिक पार्ट, अगर उसका जो कैटायनिक पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट उस सिस्टम में सॉल्वेंट से ज्यादा प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, ध्यान समझिएगा, आपने एक क्या किया, आपने एक सॉल्वेंट में या फिर मैं कह सकता हूं वाटर में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर ही कहेंगे। तो क्या बात है कि अगर आपने एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व करने से अगर उसका कैटायनिक पार्ट, जो भी उसका कैटायनिक पार्ट है, अगर वो वाटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी दिखाता है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अगर उसका एनायनिक, एक मिनट, यहां पर दो मिनट के लिए आपके आंखों के सामने अंधेरा छाया होगा, ठीक है, हाँ, तो बात क्या है आपके पास, बेसिकली एक मिनट रुक जाना, जस्ट अ वन मिनट, ओके। हाँ, तो बेसिकली हम कहां पर थे, कहां थे, कहां थे, कहां थे, हाँ, हाइड्रोलिसिस को। तो बात क्या थी कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट को, क्या नाम है, डिसॉल्व करेंगे, किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका जो सिस्टम है, अगर कैटायनिक पार्ट प्रोटॉन ज्यादा है डोनेट कर सकता है, आपका जो कैटायनिक पार्ट है वो वाटर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो सॉल्वेंट एसिडिक इन कैरेक्टर हो जाएगा। और अगर आपका जो एनायनिक पार्ट है, जो सॉल्वेटेड एनायनिक पार्ट है, अगर वो क्या कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा हो उसका एज कंपेयर टू वाटर, तो फिर सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, तब सॉल्वेंट हो जाएगा आपका बेसिक इन कैरेक्टर। तो आपको इस बात समझ में आई कि आपने सॉल्ट को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्ट को क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। अब वाटर में डिसॉल्व करने से जो उसका कैटायनिक पार्ट है, ठीक है, कैटायनिक पार्ट है, और दूसरा क्या है, एक एनायनिक पार्ट है, दूसरा क्या है, एक एनायनिक पार्ट है। तो अगर आपका कैटायनिक जो पार्ट है उसकी जो प्रोटॉन डोनर एबिलिटी होगी, क्या होगी, प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर, आप समझ कह दीजिए प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर, अगर उसका प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर वाटर से ज्यादा है, प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर इज हायर देन वाटर, अगर वो हायर देन वाटर है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, तब सिस्टम आपका हो जाएगा एसिडिक इन कैरेक्टर हो जाएगा, तब सिस्टम कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन कैरेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से अगर आपका एनायनिक पार्ट जो है, एनायनिक पार्ट अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर दे, यहां पर हमें समझना पड़ेगा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, क्योंकि एनायनिक पार्ट है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट ही करेगा, कैटायन उसको अपने तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो इसका जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर है, तो इसका जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर है, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर वाटर से ही हमें कंपेयर करना होगा हमें, क्या अगर ये वाटर से ज्यादा है, वाटर से क्या है, H2O से, एक मिनट,
आपका ये क्या है H2O से ज्यादा है, H2O से ज्यादा है, तो उस केस में ये कैसा हो जाएगा, बेसिक इन कैरेक्टर हो जाएगा। इसी आधार पर हमने सॉल्वेंट्स को एसिड बेस जो हमने पढ़ा, तो उस आधार पर हमने इन चीजों को अच्छी तरीके से समझा। जरा ध्यान समझना कि आपने क्या किया, आपने FeCl3 को वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसका पास जो ये कैटायनिक चार्ज है, यहां पर आपको पता है कि इस वाटर से प्रोटॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि FeCl3 का जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहां पर आप जो एसिडिक और बेसिक नेचर में जो प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोसेस है वो कौन डोमिनेट करेगा, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि जब भी आप FeCl3 के सोल्यूशन में कभी भी अगर आप कोई बेस मिलाएंगे, मान लो आपने कोई भी बेस है, मान लो यहां पर मैंने सिर्फ OH- लिख दिया, तो कभी भी आप इसमें कोई बेस मिलाएंगे तो बेस मिलाने से जो मेजर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी उसमें ये पार्टिसिपेशन लेगा और यहां से बनेगा क्या, FeH2O का होल 5OH, और यहां पर इसके ऊपर जो पूरा चार्ज आएगा वो 2 पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर हुआ, ये हमें समझ में आया किससे, ये हमें समझ में आया विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेंड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब आप इस चीज को और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझते हुए आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर इस चीज का ये फायदा था। इतनी बात क्लियर हो, आपको समझ में आई या नहीं आई। अब इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको आने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात और समझिए। जैसे 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 एक मिनट जैसे जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक कंपाउंड आया है, कंपाउंड है CH3COONH4+, तो अब इसका सिस्टम में सॉल्वेंट अगर इसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा आपको बताना है, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा समझना है कि क्या आपको इसको क्या करिए, आप इसको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा, एक पार्ट बनेगा आपका क्या CH3COO- और ये एनायनिक पार्ट हो गया, और दूसरा जो इसका कैटायनिक पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH4+। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन डोनर की, तो एज कंपेयर टू H2O कंपेरिजन में ये NH4 पॉजिटिव ज्यादा अच्छा डोनेटिंग नेचर में है। इसका मतलब है कि ये डोनेशन करेगा H+ का। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आई कि इसको मिलाने पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी, या फिर जो भी एसिडिक बेसिक नेचर प्रोटॉन ट्रांसफर आप कह सकते हैं कि जो मेजर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो आपका कौन डिसाइड करेगा, ये आपको इस थ्योरी से क्लियर हुआ। और यहां पर CH3COO- अब एनायनिक पार्ट है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर इसका क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू वाटर। अगर ऐसा आप कोई सिस्टम यूज करें जिसमें आपका जो एनायनिक पार्ट है, जैसे कि आप इसको बफर सॉल्यूशंस में पढ़ते होगे ना, कि इसका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप पढ़ते होंगे कहीं पर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में उसका नेचर कैसा होगा, तो वही बात है ये एसिड बेस केमिस्ट्री में, उसे थोड़ा सा मैंने टच करके समझाने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ मेरिट ऑफ ब्रॉन्स्टेंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के यहां पर इसका नेचर भी वाटर से ज्यादा है, ध्यान समझना, CH3CO- का भी जो नेचर है वो भी वाटर से ज्यादा है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग का, और इसका जो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट का वाटर से ज्यादा है प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर। इसका मतलब है दोनों ही, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही स्ट्रॉन्गर है H2O से। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और जो सिस्टम का नेचर होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल रिएक्शन में जो इसकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोसेस, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी कौन सी, उसकी जो रिएक्शन लिखेंगे आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की, वो क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे CH3COO- + NH4+ और यहां से बेसिकली क्या होगा आपका बनेगा CH3COOH + NH3। तो कुल मिलाकर आपका ये सॉल्वेंट में इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी वो ये मेजर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी जो मेजर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ भाई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो आपकी CH3COONH4 की होती है वो वाटर में कैसे होती है, अगर मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करूं तो ये सॉल्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेचर कैसा होता है, आप कहोगे न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल का मतलब है कि कैसे न्यूट्रल होगा, आप इस चीज को कैसे समझाओगे,
तो आप बताओगे कि ये रिएक्शन होगी, यहां पर ये अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा, क्या करेगा एसिडिक नेचर दिखाएगा, और ये क्या करेगा यहां पर बेसिक नेचर दिखाएगा, और एसिड बेसिक नेचर से आपके पास वीक एसिड और वीक बेस बनेंगे, जो कुल मिलाकर सिस्टम को क्या करके रखेंगे, न्यूट्रल करके रखेंगे। मेजर ट्रांसफर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन इस प्रोसेस में ये होगी। इतनी बात क्लियरली आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? रोज कितने बजे ऑनलाइन क्लास चलता है? तो रोज क्लासेस आपकी वेरिएट होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी भी कोई भी क्लास होने वाली होती है तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई भाई, हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया, उसकी मेरिट समझ ली। अब चलिए बात करते हैं, आगे आते हैं क्या स्ट्रेंथ के बारे में, जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जिसे हम बहुत समझना चाहते हैं। क्या सबसे इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट क्या होता है? कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को कंपेयर करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई कि मुझे NH3, PH3, ASH3, SBS3 और SBIS3 में कौन किस इसका जो एसिडिक नेचर होगा, या फिर यहां पर मैं इसका बेसिक नेचर, यहां पर तो हम इसका बेसिक नेचर कंपेयर करेंगे, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, क्लियरली सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ये लिख दे रहा हूं मैं A, B, C, D, E। आपको क्या करना है, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, या फिर बेसिसिटी आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। सब लोग कमेंट करके बताइए, जरा देखते हैं कि अभी तक आपको कितनी बातें क्लियरली समझ में आ चुकी हैं। एवरी आर्हीनियस एसिड इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो भाई देखिए ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और आर्हीनियस एसिड क्या होता है, दोस कंपाउंड्स विच गिव, बाकी सब लोग कमेंट करते रहो, दोस कंपाउंड विच गिव H+ आयन थ्रू ऑटो आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर करके दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, प्रोटॉन मतलब उसके पास होना चाहिए, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड में ऐसा कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है अगर कोई आर्हीनियस एसिड है तो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो होगा ही होगा। तो एवरी ब्रॉन्स्टेड एसिड इज आर्हीनियस एसिड, बट एवरी आर्हीनियस एसिड इज नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, समझिएगा ध्यान से समझिए। कुल मिला के बात क्या है, आप ये समझिएगा, कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि जो आपका आर्हीनियस एसिड है वो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा ही होगा, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने थ्योरी को थोड़ा आसान किया था। इतना बात आपको क्लियरली समझ में आई है। ABCDE सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने पूछा था, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर का होगा आपको वो रखना होगा। तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा बेसिक नेचर में कौन होता है, NH3, उसके बाद होता है आपका PH3, उसके बाद होता है ASH3, उसके बाद SBS3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया है, ABCDE बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो जरा ध्यान समझो यहां पर बेसिकली बात क्या है, ठीक है, यहां पर जो मैं आपको बेसिक बात बताना चाह रहा हूं वो बात क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास ये तीन हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अगर हम PH3 की बात करें तो PH3 के पास आपके पास बेसिकली तीन बॉन्ड है ये, और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इन दोनों को जरा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से कैसे समझेंगे उसको जरा ध्यान समझिए, आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो होना चाहिए कि नाइट्रोजन तो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन आपका जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो आपका जो ये नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा होल्ड किए गए होंगे, इसका मतलब है क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ इनका बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, समझ में आ रही बात। लेकिन 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 यहां पर जो आपका ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां पर है, ये लोन पेयर है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, कैसे ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्यों, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, और यहां पर किसी भी तरीके का नो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा होता है। तो अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो आपका लोन पेयर है ये किस में होगा, एस ऑर्बिटल में होगा, क्या होगा, एस ऑर्बिटल में होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस आपका 3s2 3p3
और इसके बाद 3s2 तो वहीं रहेगा, लेकिन 3p3 वाले उन्होंने क्या किया होगा, ये बॉन्ड बनाए होंगे, इसका मतलब होगा ये 3s ऑर्बिटल में होगा, 3s ऑर्बिटल और लिख दीजिए इसको, 3s ऑर्बिटल लिख दीजिए, आ रही बात समझ में। लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकते हैं। ये कैसा है आपका, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, ये कैसा है आपका, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। और ये क्या है आपका, ये है आपका डायरेक्शनल ऑर्बिटल, कैसा है आपका, डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो अगर ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि अच्छे से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसको जरूरत होगी। लेकिन यहां पर ये एस ऑर्बिटल वाला उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपका NH3 क्या होगा, ज्यादा एसिडिक कैन करेक्टर होता है। लेकिन अगर हम PS3 के बाद अगर हम SS3 की बात करें, तो ये 3s ऑर्बिटल से 4s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल से 4p ऑर्बिटल, और सॉरी 4s ऑर्बिटल से 5s ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल लगातार क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जितना बड़ा ऑर्बिटल होता जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, और अब उसको और बड़ा कर दो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब उतना ओवरलैप करने पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है, इसलिए हम लोग जैसे ही नीचे चलते चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर आपका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आई बात इतनी क्लियर समझ में, ये बात आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वयं जी, स्वयं बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब इसी आधार पर चलिए आगे समझ लेते हैं एक आपको, अब इसको बता दीजिए सब लोग, ए बी और सी, सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस इन दिस पार्ट, क्या सीक्वेंस होगा इस पार्ट में, क्या सीक्वेंस होगा। बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, ठीक है, और इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, 2-3 लेक्चर और लेंगे, और उसके बाद दो लेक्चर, लगभग 1-2 लेक्चर और लेंगे, और उसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कभी एसिड बेस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। और शुरुआत के 2 लेक्चर आपने देख लिए होंगे, तो फिर तो आप समझ गए होंगे कि थ्योरी तो फर्जीबाजी है, थ्योरी तो हमने बस ऐसे ही पढ़नी होती है, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस कुल मिलाकर थ्योरी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत ना करें। बिल्कुल बताकर जाऊंगा अगली क्लास कब लूंगा इसकी, एसिड बेस की, बिल्कुल बताकर जाऊंगा। CBA CAB, तो देखो यहां पर आपके पास जो आपके दिमाग में सबसे बड़ा यहां फितूर भरा होता है, वो भरा होता है कि आप समझते नहीं हो कि आपको करना क्या है। आपको कुल मिलाकर क्या है, आपके पास इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। अब आप इसके पास क्या जा रहे हैं, लोन पेयर लेने जा रहे हैं। तो आप जब लोन पेयर लेने जाएंगे, तो क्या ये करेंगे क्या कि देखो, इसका जो सबसे एक बेसिक जो सबके दिमाग में एक डाउट आता है, वो डाउट क्या आता है कि आप लोग ये सोचते हो कि सोचते क्या हो, मतलब एक दिमाग में अपने मन से ये चीज आती है, मैं समझ सकता हूँ। देखा बताना आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को ऐसे सोचते थे अभी तक, कैसे आप लोग क्या सोचते हो कि यहां पर बेसिकली 2 नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है, तो 2 नाइट्रोजन एटम का मतलब हो गया कि जब इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये ज्यादा बेसिक इन कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एट अ टाइम एक लोन पेयर पर ही ध्यान देना होगा। जब भी कोई कंपाउंड जोड़ने आएगा, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर पार्टिसिपेशन करने आएगा, ऑक्सीजन पर तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होगा। सबसे आसान से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से डोनेटेड हो सकता है। तो आप इनके पास जा रहे हैं, इन लोन पेयर्स के पास जा रहे हैं, तो इसके पास क्या है, अब देखिए साइड एटम्स, आपने देखे 3 हाइड्रोजन एटम लगे, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने देखा ओ एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक नाइट्रोजन एटम कनेक्ट कर दिया गया, मतलब कह सकते, मतलब क्या कर दिया गया है, मतलब क्या है कि आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और जब आपने इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इसने न्यूक्लियस पर क्या कर दिया, आपने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ला दिया, और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज लाने से हुआ क्या होगा, इसके ऑर्बिटल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, जिसे आप चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट हो गया होगा, आपका जो न्यूक्लियस, ये लोन पेयर है, ये न्यूक्लियस की तरफ चला गया होगा। कुल मिलाकर इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर इस लोन पेयर का होल्ड ज्यादा हो गया होगा। इसका मतलब है कि इसका जो डोनेटिंग नेचर है, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, ये कम हो गया होगा। और जब नाइट्रोजन की जगह आप ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ऑक्सीजन में तो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और भी लोन पेयर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डोनेट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो ए, देन बी और सी। आई बात समझ में, तो ए बी सी यहां पर क्या होगा, सीक्वेंस होगा ऑफ बेसिक कैरेक्टर। क्या है ये आपका, बेसिक नेचर का ये आपका सीक्वेंस होगा। आ रही बात क्लियर समझ में आप सभी को ये, या नहीं बताइए भाई।
साइड एटम आर इलेक्ट्रोनिगेटिव सो डिक्रीज द, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया तनु शर्मा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है बिल्कुल, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप सभी को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी सब लोगों ने आंसर दिया था और बहुत बढ़िया, उससे पहले काफी उल्टा सीधा सवाल दे रहे थे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए जरा ध्यान से, अब वेरिएशन स्टार्ट होंगे, अब आपको वेरिएशन समझने होंगे। सबसे पहला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो सेंट्रल एटम होता है, आप इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसे ही आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों से एक ही बात है, एक ही तरीके, मतलब एक ही तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो ज्यादा बगल वाले बॉन्ड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की कोशिश करेगा ताकि वो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सके। तो इसके लिए आपके सामने ये कहानी है। तो मैं सबसे पहले, आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया करे तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाए, ना कि हवा में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, अगर आप लेक्चर देखते हुए कॉपी भी बना कर रखते हैं। आपने यहां क्लोरीन बनाया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपने क्लोरीन बनाया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके बाद ये आपका OH, HClO3 है ना, हाँ। तो ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका OH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लियर हो गई बात। देखिए नया क्लोरीन है आपका, क्लोरीन यहां पर इसकी वैलेंसी 8 है, यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी है 5 है, 2, 2, 4, 1, 5, क्योंकि HClO3 है तो HClO3 आपने बना दिया, ठीक है। इसके बाद बेसिकली क्या है, यहां पर क्लोरीन, यहां पर आपके पास, सॉरी यहां क्लोरीन आप बीच में रखिए, क्लोरीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है, यहां पर ऑक्सीजन क्लोरीन और क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है सिर्फ एक OH। तो सबसे पहले एक बात जरा देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग सी, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर कभी भी कनेक्ट हो जाए किसी सेंट्रल एटम के साथ, तो वो उसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी, मतलब उसकी कोवेलेंसी को वेरिएट कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो। तो इसलिए इस ऑक्सीजन ने इस क्लोरीन के साथ देखिए क्या क्या नहीं किया, इसके साथ एक वैलेंसी शो करने पर मजबूर किया, इसको 3 वैलेंसी शो करने पर मजबूर किया, इसको 5 वैलेंसी शो करने पर मुझे मजबूर किया और इसको 7 वैलेंसी शो करने पर भी मजबूर कर दिया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो क्लोरीन होती है, आपकी जो सॉरी ऑक्सीजन होती है, वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है आपका पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ जाए तो वो उसके साथ जो चाहे वो करवा सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, ऑक्साइड, जो आपका ये मेटल नॉन, जो भी ऑक्साइड्स हैं आपके या फिर हाइड्रोक्साइड हैं, उनका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है, उनका एसिडिक नेचर क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। तो आप ऐसे कभी किसी लाइन को लिख के मत करिए, कभी भी मैं कोई लाइन नहीं लिखवाता हूं आपकी कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, मैं आपको अप्रोच बता दूं क्वेश्चन कैसे समझना और देखना होता है। तो कुल मिला के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है इसकी +7, इसकी +5, इसकी +3 और इसकी +1, इसकी कितनी है +1। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कुल मिलाकर फॉर्मल ऑक्सीडेशन, फॉर्मल चार्ज है, आप इस एक कभी भी आपके पास एक दो कंपाउंड है ए बी, तो आप उसको ब्रेक करिए और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये करना होता है। तो कुल मिला के आप ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इस पर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस तो 6+, और इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो 1 माइनस और 1+, आ रही बात समझ में। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई +7 हो गई, यहां पर कितनी हो गई +5 हो गई, यहां पर कितनी हो गई +3 हो गई, यहां पर कितनी हो गई +1 आपके पास आ गई। तो बात क्या है, आपको क्या करना है, इस OH पर ध्यान देना, जो छोटा सा OH कोने में बैठा हुआ है, आपको इससे H+ बाहर निकाल देना है, एसिडिक कैरेक्टर आपको स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है, एसिडिक नेचर शो करना है। तो इसने आपने क्या किया, इसने आप ये यहां से एक H+ को निकाला, तो यहां पर क्या बना O-। अब ये O- इन तीन ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, क्योंकि यहां पर जब आप इसे OH+ निकाल लोगे तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बचेगा, यहां पर ये O- बचेगा। तो ये O- यहां पर कॉन्जुगेशन करके इन सारे ऑक्सीजन के साथ खेल सकता है। यहां पर इस O- अगर मैं यहां पर O- बनाऊं तो ये O- सिर्फ दो जगह ही खेल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और यहां पर सिर्फ एक के साथ कर सकता है और यहां पर तो वो भी नहीं बचा,
तो इस वजह से जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कम करते जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट से दो काम हो रहे हैं, जरा ध्यान समझना, यहां पर दो काम है, आप दोनों कामों में से सिर्फ आप एक काम देखकर भाग जाते हो और इसीलिए अगले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उस बात को समझना जरा ध्यान से सब लोग। बात क्या है, बात यह है कि यहां पर ये जो O- बना, इस O- का सबसे पहला रीजन ये था कि इसके पास ये जो तीन OH ग्रुप लगे हुए थे, तीन डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो ये तीन डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या कर रहे थे, क्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लगा रहे थे, क्लोरीन पर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा रहे थे, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फील होने लगी, तो इसने क्या किया, इस प्रोटॉन से कहा भाई ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मुझे दे दे, क्योंकि यहां पर काफी समस्या चल रही घर में इस समय, तो इसलिए प्रोटॉन ने कहा ठीक है मैं अपना प्रोटॉन देकर बाहर निकल जाता हूं, बस मुझे एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जिसमें कोई मुझे स्टेबलाइज कर सके। तो एक तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से अपना काम किया ऑक्सीजन ने, और दूसरा काम क्या किया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो कॉन्जुगेशन भी होने लगा, तो दो मतलब कि एक की जगह दूसरा, दो फायदा, तो डबल बेनिफिट हो गया। तो इस वजह से ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा, क्या होगा, HClO4 HClO3 HClO, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन अगर इसी चीज को दूसरे सवाल से मैं आपसे पूछूं, अब जरा देखो इस वाली चीज को मैं आगे कब समझाता हूं, एक मिनट कहां गए सबके सब, हाँ आप इस चीज को आप जरा ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को जब आप देखोगे तो कब मैं आपसे पूछूं अब इन तीनों का कंपैरिजन क्या करना है, तो जो लोग कर सकते हैं कमेंट वो लोग करिए, मैं उनके लिए ये लिख दे रहा हूं ए और इसको लिख दे रहा हूं बी और इसको लिख दे रहा हूं सी, सब लोग कमेंट करना, तब तक मैं समझा रहा हूं फिर देखता हूं किस किसने सही जवाब दिया। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो अभी मैंने आपको बात समझाई उस आधार पर आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा सबसे पहले इनको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको इस फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी शो करनी है, यहां पर फॉस्फोरस क्या करेगा अपनी हमेशा मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा, तो फॉस्फोरस बेसिकली क्या करेगा, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी यहां पर पी डबल बॉन्ड ओ, एक पी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो उसके बाद बेसिकली ओ एच और यहां पर ओ एच और ये ओ एच, तो ऑक्सीजन इसकी 5 वैलेंसी हो गई। इसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे आप, फॉस्फोरस पी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एक ओ एच और दूसरा क्या है यहां पर ओ एच, तो देखिए H3PO3 है, तो देखिए H3PO3 यहां पर दिखा आपको H3PO3, तो इसलिए यहां पर आपको H3PO3 बनाने के लिए एक H ऐसे जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी रखनी है आपको, 5 रखनी है, ये बात आप ध्यान रखोगे तो कभी इसका स्ट्रक्चर गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब इसकी जगह आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, फास्फोरस पी डबल बॉन्ड ओ लिया आपने, पी डबल बॉन्ड ओ लेने के बाद आपने क्या किया, बेसिकली एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा OH, तो आप देखें यहां पर भी इसकी 5 वैलेंसी है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर को ध्यान रखने का तरीका ये है, कुल मिला के 5 वैलेंसी होती है। अब लेकिन इसके बाद की कहानी में आप गड़बड़ा जाओगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय अब इस पीएच बॉन्ड को ब्रेक करें तो कैसे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट का कहानी, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ दूसरी बात भी ध्यान से समझी थी क्या, कि आपका जो ऑक्सीजन के बाद जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के बाद जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं क्या करूं, इससे एक प्रोटॉन निकाल दूं, यहां पर O- बना दिया, इससे एक प्रोटॉन निकाल दिया और मैंने यहां पर O- बना दिया, और इससे एक प्रोटॉन निकाल दिया और मैंने क्या कर दिया, O- बना दिया, तो सबसे पहली बात क्या कि यहां पर इन सारे के सारे केसेस में जो आपका डबल बॉन्ड ओ है ये सेम है, मतलब कि यहां पर इस फास्फोरस पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर लग रहा होगा ना, जो इसने इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर लगा रहे होंगे इस फास्फोरस पर, इस पर तो मान लो आपके पास दो OH ग्रुप हैं अवेलेबल, तो ये दो अवेलेबल ग्रुप OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप लगा हुआ, तो कुल मिलाकर सबसे पहले H3PO4 में इन सारे के सारे ऑक्सीजन ने एक तरीके से एक नेचर दिखाया होगा ताकि ये हाइड्रोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन निकल जाए और ये एनायन बन जाए, लेकिन पहले तो ये हुआ होगा, लेकिन जैसे ही एनायन बना, एनायन बनने के बाद देखना जरा ध्यान से, H3PO4 ये बना हुआ है ना, H3PO4, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर इसने इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कुछ इस तरीके से, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर यहां जाएगा। अब जरा ध्यान समझना अगले केस में, अगला केस आपके सामने क्या हो रहा है, H3PO4 में जब इसने OH- बनाया तो इसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यह गया यहां पर। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यह गया यहां पर। जरा ध्यान समझिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पीओ बॉन्ड है जो इन तीनों OH बॉन्ड को क्या कर रहा होगा, इन तीनों OH बॉन्ड पर एक माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों OH बॉन्ड पर जितना ज्यादा पोलराइज करोगे इस OH बॉन्ड को, इस फॉस्फोरस के द्वारा इन OH बॉन्ड पर जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, उतनी आसानी से ये OH बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाएगा, उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फील करेगा और OH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा।
तो यहां पर क्या है, एक CO बॉन्ड ने तीन के साथ साझा कर रखा है, यहां पर क्या है एक CO बॉन्ड ने दो के साथ साझा कर रखा है, और यहां पर क्या है एक CO बॉन्ड ने तीन के साथ साझा कर रखा है। तो इस वजह से यहां पर क्या है, यहां पर ये जो जिसकी जो पोलराइजेशन है, जो इसका माइनस आई इफेक्ट इस बॉन्ड पर लगेगा वो मैक्सिमम मतलब एक 1:1 है, यहां क्या है 1:1 है, यहां पर क्या है 1:2 है, और यहां पर क्या है 1:3 है। तो अगर आपके पास एक ही कहानी है, एक ही चीज है आपके सामने, आप एक ही पिज्जा लेकर आए और आपको एक बंदे के साथ शेयर करना है, दो के साथ शेयर करना है, तीन के साथ शेयर करना है, तो सबसे ज्यादा शेयरिंग किसके साथ होगी, एक वाले के साथ, और यहां पर क्या होगा तुरंत इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तुरंत यहां पर कॉन्जुगेशन होगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर आपका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आप यहां पर कभी इस आधार पर मत सोचना कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तब कंपेयर करी जा रही थी जब आपके पास एक ही OH ग्रुप था, लेकिन यहां पर OH ग्रुप में ही वेरिएशन हो रहा है। तो जब OH ग्रुप खुद ही वेरिएट करने लगे तो इसलिए आपको यह समझना है कि वो OH ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट कितना लग रहा है, या फिर कुल मिलाकर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कितना लगा रहा है आपका सेंट्रल एटम, आपको यह समझना होगा। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर आप कभी आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसा भी बनाकर आपको दिया जाए आप ये बात कभी अपने दिमाग में डाउट नहीं रखोगे। यस CBA, बिल्कुल बढ़िया, सब लोगों ने CBA आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हाँ ONO बॉन्ड, वही चीज। तो आपको बात तो क्लियर है, मुझे पता है आपको ये सारी बातें तो समझ में आ रही होंगे, आप पहले भी ये बात समझ चुके होंगे, लेकिन उस बात को समझना आपको क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आप ये बात समझ में आ गई आप सभी को। हाँ, तो ये आपके सामने अगला बात है, अगला क्वेश्चन है, ये क्या है एसिडिक कैरेक्टर, क्या है आपका, इसमें आपको क्या बताना है, एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो जो लोग इस लेक्चर को बाद में भी देख रहे होंगे, वो जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप एक बार अपने मन से अपनी कॉपी में उस आंसर को लिख लिया करना। इससे फायदा क्या होगा कि आप खुद अटेम्प्ट दोगे, जब दोनों तरफ से अटेम्प्ट दिए जाते हैं तब सीखना क्या होता है आपको, और अच्छे से समझ में आता है, आप और अच्छे से समझना सीख शुरू करते हैं। हाँ, तो बात क्या है आपके सामने, क्या चल रहा था, कह रहे हैं हम इनका आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो वही बात है, बात क्या है, ये जो मैंने यहां पर आपको ये बात समझाई थी, क्या ये बात क्या समझाई थी यहां पर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रख लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को भी समझ लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी समझ लेते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपके पास जो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसीलिए वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, इस आधार पर आप बिल्कुल समझ जाएंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये और ये, तो ये आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए बी सी ऑर्डर होगा। आ गई बात क्लियर में, ये बात आपको होपफुली साफ साफ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, हाँ इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ इसके बाद क्या करना है, आप मान लीजिए आपके पास, अब आपको अगला क्वेश्चन क्या करना है, अगले क्वेश्चन में इसमें और कैसे वेरिएशन हो सकता है, कि आपने देखा HClO4, अब मैं HClO4 को बना दूं HBrO4, और उसके बाद बना दूं इसको HIO4, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा काम क्या कर सकता हूं, दूसरा काम मैं कर सकता हूं HBrO4, रुकिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देखकर लिखता हूं, ठीक है। दैट वॉज अ गुड क्वेश्चन एंड वेयर इट वॉज, हाँ चलिए HClO4 ये है आपके पास, HClO4, HClO3 और HClO2, ठीक है। अब इसी आधार पर अगला कर दिया मैंने HBrO4, ठीक है, HBrO3 और आपका HBrO2, ठीक है। इसी आधार पर अगला कर दिया HIO4, HIO3 और ये आपका HIO2। तो यहां पर आप इस सीक्वेंस को फाइनलाइज कर देता हूं मैं आप सभी के साथ, क्या कि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक क्या हो गया, एक मिनट, हाँ अब यही लॉकर में, हाँ थोड़ी देर के लिए फिर से आपकी आंखों में अंधेरा छाया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम, कि अगर मैं इनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप पता है, अगर आप यहां ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर अच्छा, हाँ वीडियो विजिबल नहीं हो रही, ओके ओके
तो मैं एक बार देख लेता हूँ आप कब से स्क्रीन ब्लैक हुई थी और उसके वहीं से मैं आपको, हाँ तो ठीक है, कुल मिला कुछ नहीं ब्लैक कुछ नहीं हुआ था, मैंने जो बस ये आपके सामने लिख दिया है, बस यही चीज आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर आप इसको एक तरीके से एक ओवरऑल हम लोग जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और अगर आप यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट आप चाहे किसी को भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर आई आई है, तो यहाँ पर आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। क्लियर, अब बात समझ में आई ना। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपको क्वेश्चन और कैसे घुमा के पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये हो गया, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंड है, बिल्कुल आसान सवाल है, ये ऐसे चलो इसको छोड़ो आगे बढ़ो। और कैसे वेरिएशन कर सकता है आपसे क्वेश्चन में, और आपसे वेरिएशन इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें अगर मैं इसको आप ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं और इसको सी लिख देता हूं, तो पहले ए बी सी में आप लोग सीक्वेंस सब लोग कमेंट करके बताइए, एक एक लोग इसको कमेंट करके बताइए। कोई बात नहीं, जो लोग लेट हो गए हैं आप स्टार्टिंग से लेक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी एक दो पॉइंट, एक हर तरीके के क्वेश्चन जैसे हम सीख सकते हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, बस एसिड बेस का। इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा और उसके बाद पूरी एसिड बेस कंप्लीट हो जाएगी, कभी एसिड बेस का कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा। चलिए भैया बताइए इसको, सब लोग इसको बताइए ए बी सी। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग कमेंट करते रहना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए ज्यादा बी फिर सी, ए बी सी बिल्कुल, ए बी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत बढ़िया। तो ए बी सी तो यही समझ सकते हैं, जैसे आप पीरियड में ऊपर से नीचे जाएंगे, सॉरी क्या नाम है, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपके HNO3, HPO3, HS3 ये इन सब में भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो बिल्कुल सही बात है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपकी सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद इस सवाल को देखो, अब सारे कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया गया, सारे कंपाउंड्स को आपसे मिक्स करके पूछे एसिड बेस कैरेक्टर, तब आप कैसे बताओगे। अभी तक तो आप समझ रहे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेंट्रल एटम पर चार्ज और फलाना फलाना धमाका धमाका, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फलाने धमाके में हमें कभी फंसना नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, हमें समझना होता है कि जो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखना, आपके दिमाग के तार तुरंत खुल जाएंगे। तो बेसिकली बात क्या है, यहां पर क्लोरीन ये रख रही है, क्लोरीन के बाद HClO4 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, HClO4, ठीक है, ये आपका HClO4 बनकर आ गया। इसको बनाकर देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड OH और ये आ गया आपका OH। अब इसी तरीके से इसको बनाकर देखिए, H3PO4 को P डबल बॉन्ड O OH और यहां पर ये OH और यहां पर ये OH, ठीक है। और यहां पर आप इसको देखिए SI और इस पर तो चार OH लगे हुए हैं डायरेक्ट, तो ये आपका OH, ये आपका OH और ये आपका OH। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है या फिर सीक्वेंस क्या होगा। कभी भी आप जैसे ऑर्गेनिक में ऐसे होता है, कभी भी क्वेश्चन को देखकर आंसर करना ही नहीं होता, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो सॉल्व करो अपने मन से सॉल्व हो जाता है। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, इस OH बॉन्ड पर ये तीन लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, इस दो OH बॉन्ड पर दो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये दो जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड दो लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं इनके प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए। यहां पर तीन के तीन एक के पर ही लगे हुए हैं, तो इसलिए आपका HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू H2SO4। इस तरीके से H3PO4 की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है जो इन तीनों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। या फिर आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, क्या कि यहां पर जब आप इसका एनायन बनाओगे तो एनायन तीन बॉन्ड में कॉन्जुगेट कर सकता है, यहां पर बनने वाला एनायन दो बॉन्ड में कॉन्जुगेट कर सकता है, यहां पर एक में कॉन्जुगेट कर सकता है और यहां पर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये पोलराइज करता है किसको, OH बॉन्ड को मजबूर करता है ताकि इस हाइड्रोजन को वो क्या कर दे, फ्री कर दे। तो आप देखिए आपने कितनी आसानी से इस सीक्वेंस को सेट कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे आंसर कर दिया, ABCD सब लोगों ने आंसर किया था, क्या बात है।
आकांक्षा, केविन, दीपिका, नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एबीसीडी स्मिता जी, जयप्रकाश जैन जी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलिए, आपको चीजें अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये एक सवाल आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, इसी सवाल के लिए मैं थोड़ा बीच में मैंने देखा था बैकग्राउंड करके। अब ये सवाल क्या था, आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये सवाल लगभग सब लोगों का सही होना चाहिए, मैं यही उम्मीद करूंगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों को ये सवाल सही होगा। सब लोग कमेंट करो, कमेंट करो भाई, सब लोग, हर कोई कमेंट करेगा, सब लोग कमेंट करना है इसको। पानी, HClO4 से स्ट्रॉन्गर एसिड सुपर एसिड्स होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार बॉय जी, सब लोग भाई कमेंट करिए, और जिन जिन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, तभी आऊंगा स्क्रीन पर। नहीं अभी नहीं, ए ए ए। पिंकी चौधरी जी कह रही हैं कि दोबारा आंसर बताओ, दोबारा बताओ इस चीज को, इस चीज को दोबारा मैंने बता दिया कि आप इस पर OH बॉन्ड में हाइड्रोजन को निकालिए, एनायन बनाइए, एनायन तीन जगह कॉन्जुगेट कर सकता है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यहां पर OH- से O बनाइए, दो डबल बॉन्ड पर कॉन्जुगेट कर सकता है, सेकेंड नंबर स्टेबलाइजेशन। इसमें O- बनाकर O- बनाइए, एक के साथ ही कॉन्जुगेट कर सकता है उसके बाद, और इसमें तो कर ही नहीं सकता है, तो यही है बस। इसमें सब लोग कंफ्यूज हो गए, ABCD। तो बात क्या है, देखो जरा ध्यान से समझो, यहां पर क्या है आप सभी के सामने, यहां पर देखो एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन में कह रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस कंसंट्रेशन, एक्स माइनस का कंसंट्रेशन हाईएस्ट कब होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा, और वो सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा तो उस केस में ही इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब क्या है, इस एसिड को आपको चेक करना है, तो H के साथ X लगाना है, X की वैल्यू दे रखी है, तो इसके साथ लगाओगे तो आप HOCl हो जाएगा, इसके साथ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा, और इसके साथ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, इसके साथ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, HNO2 हो जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे तो आपको सब साफ साफ समझ में आ जाएगा क्या, कि आपका जो HF और HCl में, तो आपका HCl ज्यादा एसिडिक होता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये बात आपको क्लियरली पता होगी। और अगर आप HOCl और HCl का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है जो एनायनिक चार्ज है वो वाटर में स्टेबलाइज होगा, Cl- ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू OCl-। ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन पर क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा आपका निगेटिव चार्ज का, क्योंकि उसके पास वैकेंड डी ऑर्बिटल है, डिफ्यूजन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। और आपका HNO2 तो उतना स्टेबल होगा नहीं, उतना आपका एसिडिक होगा नहीं एज कंपेयर टू HCl। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन में आपको HNO2 और HOCl, HF और इनका आपस में कंपैरिजन करना था, तो यहां पर HN बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां पर HCl बॉन्ड ब्रेक करना है, तो HCl बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा एज कंपेयर टू HN बॉन्ड। आ रही बात समझ में, HNO2 आपका जो बनेगा यहां पर, तो कुल मिला के यहां पर HCl बॉन्ड लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है, और प्लस इसमें वैकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये Cl- वाटर में बहुत आसानी से स्टेबलाइज हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, और इसलिए इन चारों में से वाटर में आपका HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसी पर आधारित अगले सवाल की बढ़ते हैं, और यहां पर आपका आंसर क्या होगा, Cl- होगा, ठीक है, सी, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने सी की बात करी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होती है, और अगली बहानी क्या होती है, आपका एंट्रोपिक फैक्टर भी होते हैं। आपका HF HCl को जरा मैं एक बार और समझा देता हूं, आपको समझ लीजिए, आपके जैसे HF है, HCl है, HBr है, और HI है, इनका आपको क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, जरा ध्यान से समझो, सबसे पहली बात तो आपको कभी भी किसी एसिड को डिसोसिएट करने के लिए ऐसे हवा में उसका काम नहीं होता है, कभी भी आपके पास एक मान लीजिए HX एसिड है, तो
तो HF एक्सिड आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर इसका ओवरऑल चेक करना है इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आए होंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेट करने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप इसको एक्वस से इसको वेपराइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर आपको एनर्जी लगेगी E1। इसके बाद आपका ये HX क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया होगा। जैसे ही ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो डिसोसिएट कम में आपको दूसरी एनर्जी लगेगी E2। अब ये डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करेगा, ये डिसोसिएशन डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। किस पर? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई, बात क्लियर समझ में आ रही है? अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, जैसे ही आपने बॉन्ड डिसोसिएट कर दिया तो आपका एच और एक्स बन गया। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयनाइज करना पड़ेगा, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन तो आप सबके लिए H+ का तो आयनाइजेशन कराओगे ही, तो ये H+ बनाओगे, H+ गैस। लेकिन अब बचा क्या, X बचा। अब आप क्या करोगे, X को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी। क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में यहां पर क्या होगा कि X- बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर X- बनेगा। आई बात समझ में? और यहां पर क्या बन गया, ये H+ बन गया। आ रही ना बात समझ में इतनी क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुल मिलाकर HX को H+ और X- करने के लिए आप इतने स्टेप से होते हुए जाओगे। तो पैरामीटर कौन कौन से है जरा ध्यान समझो। सबसे पहला पैरामीटर क्या आया, डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो HF बॉन्ड है ये ज्यादा क्या नाम है, पोलर बॉन्ड होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, हाइड्रो वाटर में ज्यादा ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डिहाइड्रेट करने के लिए। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में जब आप डिसोसिएट करोगे तो डिसोसिएशन में उल्टा हो जाएगा। डिसोसिएशन में आपका एच आई बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, आ रही बात समझ में? लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली कहानी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है, ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का Cl- देन आपका F- देन आपका Br- और देन आपका I-। तो ये तो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आती है, क्या आती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्ट करती है इस चीज को। दूसरा क्या करता है, बॉन्ड, ये इनका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा है किसका कम है। और तीसरी चीज बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन होता है। लेकिन इसके अलावा एक और पैरामीटर आता है, वो क्या आता है कि जब आप इसे वाटर में, ये दो वाटर में क्या है, अभी तो गैसियस है, तो आप गैसियस के बाद इनको क्या करेंगे, एक्वस, इनमें वाटर दोबारा मिलाएंगे, और वाटर मिलाने से क्या होगा, एच प्लस एक्वस हो जाएगा और X- भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, H+ इसको एक्वस बनाने के लिए आपने इसको इससे बनाया, तो यहां पर जो इसके लिए डेल्टा H यूज हुआ होगा वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो HF वाली कहानी होती है, यहां पर जो इसका ऑर्डर होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो ये होता है, HI सबसे ज्यादा। तो इसके लिए दो पैरामीटर क्या करते हैं, इस ऑर्डर को डोमिनेट कराते हैं। ये ऑर्डर जो डोमिनेट हो रहा है इसको दो ऑर्डर डोमिनेट कराते हैं। ध्यान से समझना सारी बातों को, सुनते रहना क्लियरली। क्या होता है, सबसे पहली बात, जो सेकेंड प्रोसेस है E2, इस केस में आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इसका आसानी से हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, और इसके बाद जब आप इसमें ये कराते हैं एक्वस, दोबारा इसको एक्वस मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो F- है, ये F- जब इसको वाटर में दोबारा डिसॉल्व करोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगा F- का। और अगर F- का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, F- मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर को अपने साथ क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। और जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH- को वाटर को अपने साथ बाइंड कर लेगा तो यहां पर एंट्रोपिक फैक्टर डिसफेवर हो जाते हैं। एंट्रोपिक फेवर क्या होता है कि कभी भी कोई भी प्रोसेस चल रही हो, कभी भी कोई भी प्रोसेस चल रही हो, उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। एंट्रोपी को कह सकते हो नॉर्मल शब्द, बिल्कुल आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि डिसऑर्डरनेस। बाकी एंट्रोपी में घुसो तो 2-3 दिन गुजर जाए, हम लोग पढ़ते रहे मजे मजे। तो अपने को भी ध्यान क्या रखना है कि एंट्रोपिक फैक्टर डिसफेवर क्यों होते हैं, क्योंकि F- मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेता है, तो वो सबके सब क्या होते हैं, एक ऑर्डर वे में आ जाते हैं, ऑर्डर्ड वे में आ जाते हैं। और जब वो एक ऑर्डर्ड वे में आ जाते हैं तो उससे दिक्कत क्या आती है, उससे दिक्कत ये आती है कि जो सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है वो कम हो जाती है, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। तो एक तो यहां पर ये स्टेप जो होती है, ये स्टेप, और दूसरी स्टेप कौन सी आपकी, ये स्टेप। तो ये दो स्टेप की एनर्जी का जो सीक्वेंस होता है वो इतना ज्यादा फेवर डिसफेवर कर जाता है कि आपका HF सबसे ज्यादा एसिडिक ना होने की वजह से HI सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब इसके बाद अगर मैं इसी को क्या करूं, अब मैं इसी को गैस फेज में पूछूं, किस में पूछूं, इसी को गैस फेज में।
अगर मैं इसी को गैस फेज में पूछूंगा तो इन द केस ऑफ गैस फेज में क्या होता है, गैस फेज में आपका ये पहला वाला पार्ट जाएगा और ये लास्ट वाला पार्ट जाएगा, यही दोनों चीजें तो चली जाएंगी ना, बोलो भाई, सिर्फ ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, इसका मतलब है कि डिसोसिएशन और एफिनिटी। तो डिसोसिएशन के केस में आपका सबसे ज्यादा मेन क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ का डिसोसिएशन ही मेन हो जाता है, क्यों, क्योंकि एफिनिटी में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, एफिनिटी में बहुत कम फर्क है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना वो सबसे बड़ा चेंजमेंट आ जाता है। तो इसलिए चाहे आप गैस फेज में चेक करें चाहे आप एक्वस फेज में चेक करें, दोनों के दोनों ही केस में आपका सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर यही रहता है, ये बात आप ध्यान से समझना, अपने दिमाग को बैठा लेना आज के बाद से। बोलो, आई बात समझ में, ये क्लास बस अभी थोड़ी देर और चलेगी, बस एक दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, 9:30 तक हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आ गई बात समझ में ये वाली। तो इसलिए जैसे आप हवा हवा में पहले हम लोग डिस्कस करते थे कि इसकी ये ज्यादा होगा उसका वो ज्यादा होगा, तो अब होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ओवरऑल फैक्टर्स होते क्या हैं एसिड और बेस के जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बहुत मेन रिएक्शन है ये आप सभी की, एसिड बेस का कंपेरिजन कराना है गैस फेज में और एसिड बेस का कंपेरिजन कराना है एक्वस फेज में, ठीक है। तो आपको पता है CH3OH, COOH और H2O का अगर एक्वस फेज में कंपैरिजन कराएं तो आप H+ निकाल दो और OH- की स्टेबिलिटी देख लो, तो इस केस में तो आप C2H5+ आई इफेक्ट लगाएगा, ये बेसिकली इसको निकालेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा O-, यहां पर इसको निकालेंगे तो क्या बन जाएगा O-, और इसको निकालेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा OH-। तो बेसिकली आपका सबसे ज्यादा इनका अगर स्टेबिलाइजेशन देखेंगे तो आपका कुछ ये स्टेबिलाइजेशन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्वस फेज में C2H5OH, CH3OH और ये आ गया आपका H2, ये आपका सीक्वेंस होगा किसमें, एक्वस फेज में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं गैसियस फेज की, तो गैसियस फेज में आपकी कहानी बदल जाती है, आपका सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है वो क्या होता है C2H5OH और वो सबसे कम होता है क्या H2O। ये बात आपको जरा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि इन द गैस फेज C2H5OH इज मोर एसिडिक देन CH3OH। क्यों, ऐसा क्यों, जरा ध्यान समझना, क्योंकि यहां पर आपके पास जो C2H5 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप के साथ लगा है O-, ठीक है, यहां पर लगा है CH3 के साथ O-, और यहां पर क्या लगा है O- के साथ H, जरा इसको ध्यान समझना। अब मैं इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही मेन खेल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है कुल मिलाकर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इसी आधार पर तो करते हैं। तो मैं इसका आपको डाटा भी दिखाता हूं, डाटा दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी 2.3 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.8 कह रहा हूं। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अंतर है इतना कम नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है, अभी गैस फेज में, तो गैस फेज में जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये जितना ज्यादा डिस्पर्स हो सके कंपाउंड के अंदर, जितना ज्यादा डिस्पर्स हो सके उतना फायदा रहता है। तो इसलिए यहां पर एक जो मेन एक और टर्म आता है वो आता है चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर, क्या कहते हैं उसे, चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर। अब चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर क्या कहता है कि जितना बड़ा आपका ग्रुप है, जितना बड़ा, मान लो आपने शुरुआत में कह लिया कि हाइड्रोजन एटम, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, इस पर तो है ही, लेकिन इसे शेयर करने के लिए इसके साथ एक छोटा सा एटम रखा हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां डिस्पर्स करे अपने। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक CH3 ग्रुप लगा दे रहा हूं तो CH3 ग्रुप से क्या हो सकता है कि ये अपने ऑक्सीजन को उन पर डिस्पर्स कर सकता है, अपने नेगेटिव चार्ज को इस पर डिस्पर्स कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके ऊपर थोड़ा सा फैला सकता है। और अगर हम बात करें C2H5 की, तो C2H5 में ये ग्रुप और बड़ा हो गया, तो और बड़ा हो गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, आसानी से इन पर हल्का हल्का डिस्पर्स कर सकता है, क्योंकि एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऊपर शेयर कर सकता है, या फिर आप जिसे आगे चल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी समझ सकते हैं कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिलता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है, और फिर उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उसी तरीके वही कॉन्सेप्ट यहां पर इस तरीके से समझा जाता है क्या, कि यहां पर इसका जो चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन दिस। इस वजह से होता क्या है, कमाल ही हो जाता है क्या, कि आपका C2H5OH आपका क्या होता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू CH3OH इन गैस फेज। तो गैस फेज में बेसिकली काम क्या है, गैस फेज में सबसे मेन बात होती है बॉन्ड डिसोसिएशन,
ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना ये बात कि जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो आपने बॉन्ड डिसोसिएट करना है पहली बात तो वो, लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएट करने के बाद आप सेकंड बात क्या कर सकते हैं, उस एनायन की स्टेबिलिटी, उस एनायन पर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसी चीज को आप जरा ध्यान समझिए अगले केस में। अब मान लीजिए CH3COH, C2H5COH और ये एथाइल ETCOH, तो इस केस में इसके लिए क्या होगा, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक, आपका सबसे ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो आपका इन एक्वस मीडिया यही होगा, एक्वस मीडिया में जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो यही होगा, CH3COH, C2H5COH, CH3COH, क्यों, क्योंकि यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट लगाकर CO के नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन यहां पर कहानी उल्टी हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका फिर से वही चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर वाली बात आ गई कि CH3COH के साथ जितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ उतना आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के, जैसे आप आगे चल के ऐसा देखोगे या फिर नहीं देखा होगा तो होपफुली ऐसे आगे चल के आपको समझ में आएगा कि एक एटम, जैसे आप ये समझिए, आप कहते हैं कि CH4 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बना सकते हैं, लेकिन अगर CH4 के साथ मैंने बगल में कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया तो कई बार ऐसा भी होगा कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर से आपस में मिक्स होंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। उसी चीज को यहां पर आप चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर से समझाया जा रहा है आपको। तो गैस पैरामीटर में क्या होगा, आपकी ये कहानी हो जाएगी। तो कभी गैस पैरामीटर में अगर इससे पहले मैंने आपसे पूछा होता तो आप यही सीक्वेंस बताते, लेकिन गैस में सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या ये वाला, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली क्या है, यहां पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, यहां पर सल्फर पर निगेटिव चार्ज। तो आप कहोगे कि सल्फर पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, जैसे कि मैंने कहा कि फ्लोरीन की जगह क्लोरीन पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो डी ऑर्बिटल में इस निगेटिव चार्ज का क्या होगा, डी लोकलाइजेशन हो जाएगा इन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा बड़े एटम पर, जबकि यहां पर ऑक्सीजन पर है, ठीक है, इन द केस ऑफ एक्वस मीडिया। लेकिन अगर आप बात करें गैस फेज की, तो गैस फेज में क्या होता है, गैस फेज में आपके पास ऐसी कोई कहानी नहीं है। गैस फेज में क्या है आपके पास, बेसिकली गैस फेज में आपके पास CH3S- है और CH3O- है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक फेनोमेना होता है जिसको आप कहते हैं निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला था इसे, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा पार्ट, कि यहां पर बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा और डोनेट करने से बेसिकली क्या होगा, CH2 और ये H- और ये डबल बॉन्ड O। अब इसी तरीके से इन दिस केस ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और यहां पर H- बने और CH2 डबल बॉन्ड S, इसको बनाने के लिए बेसिकली फिर से वही बच्चों वाली बात, क्या कि यहां पर 2p2p ऑर्बिटल हो रहा है और यहां पर 2p3p हो रहा है, तो 2p3p में 2p2p में अच्छे से होगा तो नेगेटिव कॉन्जुगेशन अच्छे से होगा। तो इन द केस ऑफ गैस फेज CH3OH इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू CH3SH। आ रही बात समझ में आप सभी को, चलिए अब इसके बाद अगर मैं एक लास्ट सवाल की तरफ बढ़ लेता हूं, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता है कि ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्साइड लगाएंगे तो आप ये होता है एसिडिक कैरेक्टर, क्या होता है, यही होता है, क्यों, माइनस आई इफेक्ट देखोगे आप, क्या देखोगे, माइनस आई इफेक्ट देखोगे। लेकिन गैस फेज में जाने पर चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर आएगा मेन, क्या आएगा, चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर, जितना बड़ा एटम उतना आसानी से चार्ज कैपेसिटी हो पाएगी उसकी। तो इन द केस ऑफ गैस फेज देखिए जरा कितना अंतर आ गया, गैस फेज में फिर से वही चार्ज कैपेसिटी पैरामीटर आएगा, आपका BR वाला ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्लोरीन वाला उससे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन डिस्पर्स कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से, उसके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। आई बात समझ में, तो ये इतना बड़ा अंतर होता है क्या गैस फेज में और एक्वस मीडिया में। कुल मिला के सॉल्वेंट का खेल है आपका, जो भी खेल है आपका क्या है, सॉल्वेंट का ही आपका खेल यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो बस इतने से कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। अब आपके पास कैसा भी सवाल आ जाए एसिड बेस का, कभी भी आप एसिड बेस के सवालों को भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे और जो थोड़ी बहुत अलग अलग सी इंटरेस्टिंग बातें हैं एसिड बेस की वो कंपेयर कर लेंगे। और बस इतना सा ही आपका एसिड बेस का लेक्चर है, इतना ही आपका बड़ा चैप्टर है,
ठीक है, तो लेक्चर 3 आपके साथ पढ़ा चुका हूं मैं आप सभी को। सब लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं। एसिड बेस का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपका यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़ने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन। और लाइव क्विज काफी सारी चीजें आप सभी के लिए आने वाली हैं जल्द ही, और कल मिलते हैं, संडे का दिन है तो क्लास तो हम लोग करेंगे ही, हमारा तो काम है पढ़ते पढ़ना, आपका काम पढ़ना हमारा पढ़ाना, बस इतनी सी ये कहानी है। चलिए गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप भी बढ़ते रहिए और हमें भी हेल्प अपनी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। गेट स्कॉलरशिप की रिजल्ट वीडियो आ जाएगी, अभी तो शायद एडिटिंग के लिए पड़ी हुई है, बाकी आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं जिनकी भी रैंक आई हो, किसी भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी रैंक आई हो आप ऑफिस में कॉल करिए 7880546666 पर। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।